वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 9 लेबर वेलफेयर। सो लेबर वेलफेयर यूनिट 9 से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, हमने आई थिंक 7 to 8 सेशंस किए हुए हैं यूनिट 9 से ही। सो अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो यू कैन गो थ्रू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड यू कैन वॉच ऑल दोज सेशंस एंड वीडियोस। मैंने प्लेलिस्ट में यू नो यूनिट वाइज सारे बनाए हुए हैं, यूनिट वाइज आपको टॉप सारी यूनिट्स मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। सो यूनिट वाइज आप सारे वीडियोस देख सकते हैं अलग अलग यूनिट्स में रिस्पेक्टिवली। एंड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के भी मैंने बनाए हैं प्लेलिस्ट, न्यू अपडेट्स के लिए भी बनाया है। अगर आपको कोई भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिलेटेड टू एडमिट कार्ड, कैसे डाउनलोड करते हैं एडमिट कार्ड को, सो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा भी अदर न्यूज़ में अपडेट करती रहती हूँ शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। एंड कोर्स के लिए मैं बता दूं आपको, यूनिट 1 to 10 में सारा यूनिट, लाइक जैसा कि मैं पहले हमेशा ही बोलती आ रही हूँ पहले से ही, कि मैं यूनिट 1 to 10 आपको प्रोवाइड करूँगी अपने इस चैनल पर विदाउट एनी कॉस्ट। और जो भी कॉन्टेंट मैं प्रोवाइड करूँगी वो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जो लूँगी वो भी होने वाले हैं। सो आप अगर मेरे सेशंस को देखते हैं, अगर अच्छे लगते हैं मेरे सेशंस, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक कर सकते हैं वीडियोस को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकॉन पर भी प्रेस करना पड़ेगा, राइट? सो आई थिंक यू मस्ट हैव डन दैट। एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट सेम व्हाट आई नो एक्सप्लेन। सो लास्ट सेशन हमने बात किया था स्टेट्यूटरी वेलफेयर मेजर्स की बात की थी हमने, उसके अंदर हमने देखा था वॉशिंग फैसिलिटीज, फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथेस, ये सारे मैंने किया कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा लास्ट सेशन को। आज का हमारा सेशन है प्लांटेशन एक्ट 1951। सो इसके ऊपर हमारी क्लास होगी आज की। सो इसके अंदर पहला देखेंगे कैंटीन, प्लांटेशन एक्ट 1951 के तहत सबसे पहले बात की गई कैंटीन की, दैट कम्स अंडर सेक्शन 11। इसके अंदर क्या बात कही गई है, प्रोविजन ऑफ कैंटीन इन ऑल प्लांटेशंस इम्प्लॉइंग 150 और मोर वर्कर्स इज अ स्टेट्यूटरी लीगल ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द प्लांटेशंस लेबर एक्ट। तो क्या कह रहे हैं, कैंटीन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, अगर कहीं पर भी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर काम करने वाले वर्कर्स या इम्प्लॉई 150 या फिर उससे ज्यादा है तो वहां पर कैंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, राइट? एंड दैट कम्स अंडर सेक्शन 11। दूसरा है क्रेच फैसिलिटी सेक्शन 12 के अंदर आता है। यहाँ पे बात की गई है, इन एवरी प्लांटेशन और मोर वुमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर सुटेबल रूम्स फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ सच वुमेन हु आर द बिलो ऑफ द एज ऑफ 6 years। सो क्या कह रहे हैं, क्रेच फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड जहां पर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जहां पर 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग वुमन काम कर रही हैं, सो उनके केस में क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्रेच फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। और उसके लिए बच्चों को रहने के लिए, जो बच्चे बिलो 6 years हैं उनको रहने के लिए प्रॉपर रूम प्रोवाइड किया जाना चाहिए उन बच्चों के लिए, ताकि वो बीच बीच में विजिट करते रहें, राइट? क्रेच फैसिलिटीज में क्रेच विजिट 4 times होता है इन अ डे, जिसमें ऑब्वियसली अगर बच्चा वहाँ पे रहेगा तो माँ को जाना पड़ेगा देखने के लिए, क्योंकि बेबी उसका बहुत छोटा है, राइट? अंडर 6 years बेबीज को रखा जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि कंपनी का जो रूल है, गवर्नमेंट का जो रूल है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, कि आपको 4 crèche visits मिलते हैं एंड 2 फीडिंग ब्रेक मिलते हैं टू विजिट द चाइल्ड। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज सेक्शन 13 के अंदर आता है। द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक्स रूल रिक्वायरिंग एवरी एम्प्लॉयर टू मेक प्रोविजन इन हिज प्लांटेशन फॉर सच रिक्रिएशनल फैसिलिटीज फॉर द वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन एम्प्लॉयड देयर इन एज मे बी प्रिस्क्राइब। सो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज क्या होती है, जैसे सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, ड्रामा हो गया, सो जो एक्स्ट्रा करिकुलम यू कैन से कि इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, अगर चाहे कोई तो कर सकता है।
सो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड किसके लिए क्या की जाती है? चिल्ड्रेन के लिए, जो इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इस्टेब्लिशमेंट में, उनके चिल्ड्रेन के लिए प्रोवाइड की जाती है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। एजुकेशनल फैसिलिटीज कम्स अंडर सेक्शन 14, इसके अंदर देखेंगे वेयर द चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 12, जहाँ पे बच्चे 6 से 12 साल के बीच में होते हैं इम्प्लॉयर्स के, ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एनी प्लांटेशन एक्सीड 25 इन नंबर्स, द एज गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स रिक्वायरिंग एवरी एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रेन इन सच मैनर एंड ऑफ सच स्टैंडर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो क्या कह रहे हैं कि जो जिन सपोज जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इस्टेब्लिशमेंट में, उनके बच्चे 6 से 12 की उम्र के हैं, राइट, और वो एक्सीड कर रहे हैं, अगर वो एक्सीड कर रहे हैं 25 की एज, राइट, तो उस केस में एम्प्लॉयड इन एनी प्लांटेशन एक्सीडिंग 25 इन नंबर्स, ओके, सो एजुकेशनल फैसिलिटीज का प्रोवाइड की जानी चाहिए जहां पर 25 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, मतलब 25 इंप्लॉयज मेल इंप्लॉयज होने चाहिए, जहां पर मतलब वर्कर्स होने चाहिए, कुल मिला के मेल या फीमेल यहाँ पे नहीं है, कि जहां पर 25 इंप्लॉयज हैं तो वहां पर उनके जो उनके बच्चे हैं जो कि जिनकी एज की 6 से 12 साल की होगी, उन बच्चों को जो स्टेट गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। नेक्स्ट है लास्ट फ्रॉम दिस पेज, इस स्लाइड का लास्ट टॉपिक है रेजिडेंशियल एकोमोडेशन सेक्शन 15। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड नेसेसरी हाउसिंग एकोमोडेशन फॉर एवरी वर्कर्स हु हैज पुट इन 6 मंथ कॉन्टिन्यूअस सर्विस। सो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए जो कि सेक्शन 15 के अंदर आती है, और कोई भी पर्सन जो कि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में वर्किंग है कंटिन्यूअसली 6 मंथ, तो उस पर्सन को एकोमोडेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, मेडिकल एड टू वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज टू बी प्रोवाइडेड विद सिकनेस एंड मेटर्निटी अलाउंस। अदर फैसिलिटीज सेक्शन 17 के अंदर आता है, इसके अंदर देखेंगे द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक rules requiring that in every plantation the employer shall provide the workers with such number and type of umbrellas, blankets, raincoats, etc. So other facilities में अगर suppose rain का time है, बारिश का time है, तो employer अपने employees को raincoat provide करेंगे, blankets ठंड के time में blankets provide करेंगे, umbrellas बारिश के time पर provide करेंगे। तो इस तरह की seasonal जो कहते हैं कि necessities होती हैं एक human being की, उस यू नो वेदर के अकॉर्डिंग रेनकोट, ब्लैंकेट्स एंड अम्ब्रेलाज प्रोवाइड किए जाएंगे किसको, वर्कर्स को जो कि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक इस स्लाइड का देखेंगे वेलफेयर ऑफिस सेक्शन 18 के अंदर आता है। इन एवरी प्लांटेशन वेयर इन 300 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड द एम्प्लॉयर शैल इम्प्लॉय सच नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन 18 के अंदर आते हैं, ये पुराना है, यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन 18 के अंदर आता है, पहले 300 था लेकिन अभी क्या कर दिया गया है 500, जहां पर 500 या 500 ज्यादा लोग वर्किंग है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में वहां पर वेलफेयर ऑफिसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट, वेलफेयर ऑफिसर्स की हायरिंग होगी वहां पर रखे जाएंगे, राइट। सो वील अंडरस्टैंड दिस इज हाउ, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो मैं सेशन लेने वाली हूँ उसमें हम बात करेंगे माइंड्स एक्ट की। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच।